नई वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले कोरोना के टेस्ट के बारे में। गाइस, कोरोना से टेस्ट जितना हो सके उतना बचे, क्योंकि कोरोना का टेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। कभी बार आप कोरोना संक्रमण होते भी नहीं हो, आप कोरोना संक्रमण हो जाते हो। इसके बाद स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो से अगर आप लास्ट तक देखोगे ना भाई, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कोरोना से पक्का 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 जीत जाओगे। ठीक है, हारोगे नहीं कोरोना से, जीतोगे पक्का भाई। वीडियो को बस लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर लास्ट तक देखा तो मेरी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात भाई पता क्या है, कोरोना की जो बीमारी है ना, वो स्टैनल चेकअप से जो चेक की जाती है। ठीक है, चेकअप होता है जो दांतों से चेकअप किया जाता है, जो मैंने हमले में भी लगाया था, उससे इतना हो सके बचें। ठीक है, क्योंकि वो आपको संक्रमण कर सकता है, संक्रमण से बचा नहीं सकता। वो टेस्ट के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है, उससे जितना हो सके बचें। ठीक है, क्योंकि वो आपको संक्रमण करने का दम रखता है। बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं, ये खुद ही उन्होंने बताया है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद जो ट्वीट करके बताया है, तो वहाँ पे उन्होंने सलाह दी है कि महामारी में अगर खुद की देखभाल खुद कर सके तो उतने से बढ़िया कुछ भी नहीं है। कि आप हॉस्पिटल में जाओ, उधर एडमिट हो, आपके पास में भी कोई शायद कोरोना का हो, आप ना हो तो भी आप हो जाओगे। समझ रहे हो ना, टोटल की घर में क्वारंटीन होने की कोशिश करो। थोड़ा मोटा जो है शेयर करो, वीडियो कॉल वगैरह करना होता फ़ोन वगैरह तो ही करो, अगर ज़्यादा सीरियस केस है। नहीं तो खुद ही क्वारंटीन हो सकते हो, नहीं तो खुद थोड़ी मोटी घर में मेडिसिन ले कि जो है अपना टाइम पास कर लो जैसे तैसे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें कोरोना महामारी को जो है हम एक दूसरे से फैलने से कैसे बचा सकते हैं, कि नाक मुंह बंद रखो, और ये संक्रमण कहाँ से होता है। ठीक है, इसके डिटेल कॉल में खतरे क्या हैं। ठीक है, ये तीन तरह से फैलता है। एक होता है छींकना, खांसना, मुँह या नाक, उसके बाद होती है आँख नाक मुँह। ठीक है, इस तरह से जो है ये काफ़ी फैल जाता है। तो इससे जो बचें, आँख भी होती है इसमें से, तो इनसे जो बचें। इसके बाद मैं लास्ट बता देता हूँ कि भाई दांतों की सफाई जितनी हो सके उतनी, क्योंकि ये सारे अन्य ट्रीटमेंट दांतों से ही होते हैं। अगर आपके दांत बढ़िया हैं, आपका पूरी हेल्थ बढ़िया रखा हुआ है, तो आप मेडिसिन वगैरह लेके बढ़िया रहते हो, आपको जुकाम वगैरह नहीं लगता, खांसना वगैरह मतलब को नॉर्मल दवाई लेकर सेट रहो। कोरोना की दवाई नॉर्मल दवाई भी सेट कर देती है, तो इसका इलाज ज़रूरत है। बट इसका दवाई अब तक जो है हम लोग खुद ही बना लेंगे, इस नॉर्मल दवाई लेके। ठीक है, मेडिसिन लेके इसको जो है टाइम पास कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता कि बचो, घर में रहो, जब ट्रैफिक कम हो, सब्जी वगैरह लेने जाना है जाओ, कोई ट्रैफिक कम हो या बंदे कम हो उधर, तभी ही जाओ, इससे आपकी सिक्योरिटी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अगर बचना चाहते कोरोना से सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, और पैसा बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बोले मातरम।